मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है 211, इधर 2 उधर 11। और आज का विषय ले रहे हैं आदरणीय एडिशनल कमिश्नर साहब, रिटायर्ड एनके नेफ साहब, जिनका विषय है आज का संतुलित जीवन कैसे जिए, हाउ टू लिव बैलेंस लाइफ पार्ट 7। इससे पूर्व भी आप 6 भाग ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं, जो CIIT कानपुर हैं, कि 2 शब्द आदरणीय नेफ साहब के समय कहें। आदरणीय भदौरिया साहब, आज की संध्या में सभी को प्रणाम करते हुए स्वाध्याय चिंतन के इस बेहद अच्छे कार्यक्रम में बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आप सब लोगों के सम्मुख, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे श्री एनके नेफ साहब। अनुभव है उसकी पूंजी से हम सब लोगों को सराबोर करते हुए 6 कार्यक्रम अब तक वो कर चुके हैं और बहुत आनंद आता है उनके गीत, मधुर गीत सुन करके। कई बार तो मैं वंचित रह जाता हूँ, लेकिन बहुत ही आनंद आता है कि चीजों को मधुरता से हम सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि जो ऑथेंटिसिटी है, जो वाकई में जो पका हुआ स्वानुभूत अनुभव है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, कोई देखी बात नहीं, कागज की लेखी नहीं, बल्कि अपने स्वयं का भोगा हुआ सच जो हम लोगों के साथ वो बांटते हैं, साझा करते हैं, उससे वाकई में लगता है कि जैसे वेदों और ऋषियों की जो परंपरा रही है, जिसमें उन्होंने खुद के दृष्ट अनुभवों को संचित किया है, वो हम सब लोगों के स्वाध्याय चिंतन के प्रोग्राम के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं। और ऐसी आशा और उम्मीद है कि ये जो पूंजी अनुभव की वो सबको लाभान्वित करेगी और लोगों को अंतर मंथन के लिए प्रेरित करेगी कि लोग अपने जीवन को वाकई में कैसे संतुलित जिए, पुनर्मंथन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए लोग अपना पुनरावलोकन करें, देखें कि कहाँ उसमें विकृतियां हैं, कहाँ संतुलन है जिसको संतुलित किया जाए, जिससे लोग अपने जीवन की परमोत्पादकता को, जिसको फुल फ्लावरिंग कहा जाता है, फुल फ्लावरिंग की स्थिति को अटेन कर सकें। ऐसी मेरी शुभकामना है कि सब लोग इससे अत्यधिक लाभान्वित हों। और ये जो गंगा धारा शर्मा जी ने बहाई है, उसमें बार बार डुबकी लगा करके, गोते लगा करके, आनंदित हो करके और अपने आप को धन्य महसूस कर सकें, आनंदित महसूस कर सकें। 211वां ये जो अपना कार्यक्रम है, वाकई में काबिले तारीफ है। और पूरी उसी गरिमा, पूरे आनंद और मंगल के साथ ये धारा बहती रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो है बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम तैयार करते हैं और हम सब लोगों के साथ बांटते हैं। और मैं शुभकामनाएं सभी को देता हूं कि उनके अनुभव के साथ बैठ करके और लाभान्वित हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एस एस भदौरिया साहब, हमारे सीनियर हैं डिपार्टमेंट में और हम एक साथ काम किया कानपुर में भी और उसके बाद गाजियाबाद में भी हम लोग की मुलाकात रही। बहुत सुंदर चरित्र है इनका और हम लोग इनसे सुनते रहते हैं गीता के ऊपर। इनके पुस्तकें भी मेरे पास है जो मैं पढ़ रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ही दूंगी आज आपने मेरा इंटरव्यू और अब पता नहीं मैं इसके लायक हूं या नहीं। इनके साथ मैं उद्बोधन प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम माँ गायत्री के मंत्र से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय बॉम्बे, जय जगदम्बे, मेरी वाणी में शक्ति प्रदान करो। जय। जैसे मेरी हर बार की शुरुआत होती, मैं थोड़ा जीवन के विषय में, थोड़ा संसार के विषय में बताता हूँ। आप आज मैं शुरू करता हूँ कि देखिए विवाह के कार्यक्रम कैसे शुरुआत हो गए। वैवाहिक कार्यक्रमों में जो पहले एक लिमिट थी कि साहब 25 आदमियों से ज्यादा नहीं जाने, 50 से ज्यादा नहीं जाने हैं, 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, वो लिमिट खत्म होते ही किस तरीके से चारों तरफ पर्व का माहौल हो गया है। पहले तो दिवाली, दशहरा, भाई दूज और जितने भी और 15-20 दिन के पर्व थे, दशहरा वगैरह, उन सब में लोग उल्लासित रहे, एक दूसरे से मिले। उसके बाद इन सबके हृदय में इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आप देखिए जितनी भी शादी ब्याह है, लोग निकल निकल के घर से अटेंड कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यही एक मानव चरित्र है, दुख के क्षणों को, कष्ट के क्षणों को
जिनको उन्होंने हृदय से भोगा है, शरीर से भोगा है, सामाजिक तौर पर भोगा है, आर्थिक तौर पर भोगा है, उन सबसे बाहर निकलने का। ये मानव का एक सोच होती है कि वो धीरे धीरे जितने भी उसके साथ पीड़ा रहती है उस सबको भूल जाता है जैसे वो पीड़ा समाप्त होती है। 2 साल पूरी तरह से हम लोग के कहना चाहिए काल के दरवाजे पे खड़े थे लोग, किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग अगला कदम क्या होगा, अगला दिन क्या होगा। और जैसे देखिए कोरोना काल लगभग समाप्त होता हुआ सा लग रहा है, ईश्वर करे वो समाप्त हो जाए क्योंकि 100% ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन होने जा रहा है हम लोग का, तो उसके बाद कितने उल्लास से लोग अपने अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए पर्वों में, शादी के वैवाहिक कार्यक्रमों में, बर्थडे के कार्यक्रमों में, मैरिज एनिवर्सरी के कार्यक्रमों में निकल रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक दो मैरिजेज अटेंड किया, वहां पे लोगों के जो उल्लास था, जो उनका जोश था, देख के लगा कि वाकई में एक हम लोग के मन मस्तिष्क में या हम लोग का एक चरित्र होता मानो का मरगट संन्यास। अब देखिए कभी भी कहीं किसी की जाते हैं क्रीमेशन राउंड जाएंगे, बॉडी का क्रीमेशन होता है, उस वक्त सबके चेहरे में कैसी एक अवसाद सा रहता है, उस वक्त दिल में या दिमाग में यही ख्याल आता है कि जीवन में रखा क्या है, क्या अंत यही है, अंत में यही तो पहुंचना है, सारा जीवन हाय 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 करते हुए हम लोग अंततः कहां तक पहुंचना, कहां पर जाना, और यही है जीवन का अंत। 2 मिनट नहीं लगते और आदमी चला जाता है। और जैसे ही हम उस क्रीमेशन ग्राउंड से बाहर आते हैं, आप आदमी की चंचलता देखिए, मन की चंचलता देखिए, हमारे चरित्र की चंचलता देखिए, हमारी सोच की चंचलता देखिए, कि बाहर आते ही पहला काम होता है कि हम जिस वक्त वापस जा रहे हैं तो अगर कोई रिक्शे वाले से या टैक्सी वाले से हम लोग जिस वक्त बात कर रहे थे किसी आने जाने के लिए सौदा तय कर रहे होते हैं, वी स्टार्ट बार्गेनिंग। कहां हम क्रिएशन ग्राउंड पे कहते हैं कि कुछ नहीं रखा, सब कुछ समाप्त है, बेकार है, हाय हाय करने से क्या फायदा, और बाहर जाते ही हम एक रिक्शे वाले से 5 और 10 रुपए कम कराने के लिए कितनी बार्गेनिंग करते हैं, कितने उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, भैया यहीं तक तो जाना, अरे वहीं तक तो जाना है, वो मरघट संन्यास। तो उस मरघट संन्यास की समाप्ति हुई, एक बड़ा नॉर्मल सा करेक्टर है। अब हम लोग वापस उस पर्व में आ गए हैं, शादी ब्याह के उसमें माहौल में आ गए हैं, और इसमें मैं देख रहा था जब लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, हर एक का परसेप्शन अलग होता है, हर आदमी की सोच अलग होती है, कोई इन पर्वों में भी परेशानी ढूंढता है, कोई इन पर्वों में उल्लास ढूंढता है, कोई उन पर्वों में अच्छाइयां ढूंढता है, कोई उस वक्त इंतजाम में कमियां ढूंढता है। आप एक परिवार का सोचिए, जिस परिवार ने, मैं थोड़ा सा चूंकि मैं बड़ा कई बार पर्सनल चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी रहती, तो मैं उस हिसाब पे बात करता हूं कि जिस परिवार ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए कितना पैसा बहाया, कितनी अच्छी कैटरिंग की, कितने अच्छे अच्छे पकवान वहां पे तैयार करवाए, और पूरे मन से, तन से, धन से अर्पण किया उन बारातियों को। अब जब बाराती आ रहे तो उसमें से 50-60% कह रहे हैं कोई हमको साहब ये नहीं मिला, ये चीज खत्म हो गई, इस चीज में नमक कम था, इस चीज में मीठा कम था, पानी ठंडा नहीं था, वो चीज नहीं रखी। कितना दिल टूटता होगा जिसने अपने जीवन भर की पूंजी लगा के अपनी बेटी की शादी में लोगों के आवभगत के लिए पूरी तैयारी की। मुझे तो एक बार एक कैटरर ने कहा था, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जब उसे गया था मेन्यू तैयार करने के लिए, उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये चीजें बहुत ज्यादा बहुत कॉस्टली हो जाएंगी, मैं तो इतना नहीं अफोर्ड कर सकता। उन्होंने कहा है आप जाइए, मुझे ये नहीं पता बेटी की शादी में बाप के पास कहां से पैसा आ जाता है, किस कोने से निकाल के लाता। मतलब उसका ये कहने का तात्पर्य था, हालांकि वो मेरा बहुत पर्सनल दोस्त था तो एक मजाक भी जो मैं कर रहा था, उसने बहुत बड़ी बात कही थी कि कोई भी पिता अपनी पुत्री की शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखता, कुछ भी कर लेगा, उधार मांग लेगा, कुछ बेच देगा, जिंदगी भर में संजोई हुई अपनी कोई एसेट होगी, जमीन जायदाद होगी, ज्वेलरी होगी, वो भी बेच देगा। वो बेच के सिर्फ बारात के आवभगत अच्छे, और बाहर निकलते वक्त अगर हम लोग हाथ झाड़ के इस तरीके से कहते हुए निकले, कितना उसके दिल को आघात पहुंचता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब हम लोग इस तरह जाएं तो हम लोग हमेशा
प्रशंसा की नजरों से देखें, एप्रिशिएट करें। हमारे चरित्र में ये होना चाहिए कि अगर किसी ने इतनी मेहनत की है और किसी चीज में अगर कोई कमी रह गई है तो हम उस कमी को पिन पॉइंट करने की बजाय जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनका ना केवल प्रशंसा करें बल्कि उन कमियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करें। ये एक हमारा चरित्र होना चाहिए, बल्कि मैं कहूँ ये तो नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए। हर आदमी में ये चीज आनी चाहिए कि आप कहीं जाते हैं, कोई आप भगत आपकी करता बड़े मन से, तो आप उसके लिए हमेशा ग्रेजिट्यूड दिखाएं। और ये ग्रेजिट्यूड कैसे आता है, आप देखिए परिवार के रिश्तों में ग्रेजिट्यूड आना, एक दूसरे के प्रति आभार करना आजकल कितना कम हो गया। लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं और कोई बात करने वाला नहीं है, पेरेंट्स से बात करने वाला नहीं है, भाई बहन आपस में बात नहीं करते। ये चरित्र कहां से आ गया हम लोगों? अच्छा कहते हैं ठीक है आपने हमें पैदा किया, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी हमको पालना, हमको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी थी, हमने थोड़ी कहा था कि आप हमें पैदा करो। उन्होंने कभी नहीं कहा, बच्चे कभी नहीं आए हमारे पास कहने के लिए आप हमको पैदा करिए, हम इंतजार कर रहे हैं, वी आर इन द वेटिंग लाइन। ये हमारे संस्कार थे, हमको समाज में एक तरह का हम लोग की परवरिश हुई जहां पे फैमिली सिस्टम को ही सबसे अच्छा सिस्टम माना गया, यहाँ एक पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, उस सिस्टम को माना गया। उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बच्चे होते हैं हमले के परिवार में, और हम चाहते हैं जिनके नहीं होते आप उनसे पूछे कितनी परेशानी में रहते हैं कि एक बच्चा हो जाए ताकि पीढ़ी आगे बढ़े। लड़का लड़की की बात तो अब काफी टाइम से खत्म हो गई है, तो किसी तरीके से हमारा परिवार बन जाए। परिवार की कंप्लीशन कैसे होती, शादी से होने से दो लोग हुए और जैसे एक नन्ना मुन्ना घर में आ जाता है या नन्नी मुन्नी घर में आ जाता है, कोई भी नन्ना जीव आ जाता है घर में, तब परिवार कंप्लीट माना जाता है। ये हमारा समाज है, ये हमें संस्कार दिए गए हैं। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों को जब हम होते हैं उनको खाना खाना उनको सिखाना, उनको भाषा हम सिखाते हैं, उनको हम मैनर सिखाते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, उनको मैथ सिखानी, केमिस्ट्री सिखानी, बायोलॉजी सिखानी, हिंदी सिखानी, इंग्लिश सिखानी, व्याकरण सिखानी, सब कुछ सिखाना, तो अगर उनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर उनमें आपके प्रति सद्भावना नहीं है या उनमें इस चीज नहीं है कि वो आपके प्रति समर्पित रहें, आपके किए हुए कार्यों को पहचाने, तो इसमें ये कमी कहीं हम में ही है। हमने ही शायद उनको ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाया, हमने ही उन्हें नहीं बताया कि आपको दूसरे के कार्यों को जो आपके लिए किए गए हैं उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कमी हमारे में है। तो कहां हम पालन पोषण में कमी, हम चाहते हैं बच्चों को हम सब कुछ ला के दे दें, जो जिस खिलौने पे हाथ रखे हम वो खिलौना उनको ला के दे दें, जो खाने को मांगे हम लेके आएंगे। हमने तो ऐसी मदद देखी, अगर तीन बच्चे हो तीनों ने अलग अलग चीजें मांगी है खाने के लिए, तो एक ही टाइम में तीन अलग अलग पकवान बना के रखती हैं, इतना करते हैं बच्चों के लिए, और दे डोंट फील कि ये हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, तो ये आपकी ड्यूटी थी। ये ड्यूटी वाला शब्द जो बच्चों के विचार में आया है, ये कहीं हमारे में कमी है। हमने एक बार पहले भी कहा था कि जब अगर हम सारा दिन खुद मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो हमको देखकर बच्चे भी मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए मदद सामने मोबाइल में कार्टून मूवी चला देंगे और वो खाना शुरू कर देता, मूवी देखता रहता है, जैसे कार्टून बंद खाना बंद, काए 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 चाए चाए चिल्लाने लगेगा, फिर आप कार्टून शुरू करेंगे फिर वो खाना शुरू कर देगा। तो ये हैबिट्स कौन डाल रहा है, हम ही डाल रहे हैं ना। तो जब ये हैबिट्स हम डाल सकते हैं तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना, एक सद्भावना परिवार के बीच में, एक दूसरे के प्रति अनुग्रहित होने की भावना हम क्यों नहीं डाल सकते? ये कमी हम में है। और ये कैसे आएगी, अगर हम जैसे मोबाइल को छोड़कर पुस्तकें पढ़ेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे भी पुस्तकें ही पढ़ेंगे। अगर बच्चों के सामने मोबाइल छोड़कर हम सनातन धर्म की बातें करेंगे, हम धार्मिक बातें करेंगे, हम अच्छी अच्छी स्टोरीज उनके सामने लाएंगे तो बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। मुझे याद है हमारे छोटे में हमारे घर में जो पुस्तकें पढ़ी होती थी, किताबें होती थी जो मदर पढ़ती थी,
हम लोग भी वही पढ़ते थे, वो हम लोग को दिया करती थी किताबें, राजा भैया आती थी, नंदन आती थी, चन्ना मामा आती थी, इस तरह की पुस्तकें आती थी। ये नहीं कि मोबाइल पर के ऊपर ठीक है आज की तारीख में वो सब अवेलेबल है, बट वी हैव वॉच इट कि हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, कहीं आते हैं वो हमको फॉलो करते हैं। तो क्या हम अपने माता के पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड करते हैं कि नहीं? हम अपने पेरेंट्स के लिए अगर ग्रेटिट्यूड प्रकट नहीं करते हैं या उनके किए हुए नहीं देखेगा तो वो हमारे कार्यों की सराहना कैसे करेगा? अगर अभी तक हमने ये शुरुआत नहीं, अब ये सही वक्त है। अभी का जो इस तरह के चीज को समझे ने क्या क्या किया है, हमें क्या क्या करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हमको सिर्फ एक मनी मिंटिंग मशीन समझ ले, सिर्फ पैसा पैदा करने वाली मशीन ना समझ ले। ये बहुत गलत हो जाएगा, हमारे पूरा चरित्र परिवार का खराब हो जाएगा। उसने कहा हमको ये चाहिए, हम बाजार से गए उसके लिए ले आए, उसने कहा हमको पैसे चाहिए, उसको पॉकेट से पैसे निकाल के दे दिए, उसने कहा हमको ये खिलौना चाहिए वो ला के दे दिया, उसने कहा हमें स्कूटी चाहिए स्कूटी ला के दे दी। तो वो समझ जाता कि पैसे चाहिए तो फादर को पकड़ लो, लेकिन उसके बाद कहते ये तो आपको दिलाना ही था, मुझे स्कूल जाना था तो स्कूटी तो दिलाएंगे आप, मुझे खाना तो आप तो करेंगे। लेकिन उस सब को लाने के लिए, उस पैसे को लाने के लिए हमने कितने त्याग किए हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हमने किस तरीके से परिवार बनाया है, किस तरह घर की चीजें बनाई है, किस तरह एक एक चीज को जोड़ा है और किस तरह उसके भविष्य के लिए हम लोग जोड़ रहे हैं, ये उसको पता होना जरूरी है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर कभी हम बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए तो एडोलिसेंट एज में आ जाए तो उसके इस बात को और सेम चीज हमको अपने पेरेंट्स के लिए करनी है और पेरेंट्स की बातें बतानी है कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया था, कैसे घर बना था, कैसे एक एक ईंट लगाई। मैंने कई लोग देखे हमारे साथ के लोग हैं तब भी डिस्कस करते हैं बताते कि कैसे पहले फिर उन्होंने ये बनाया, कहते एक एक ईंट करके उन्होंने इस मकान को बनाया, इसलिए हम इस मकान को नहीं छोड़ सकते, इसमें हमारे माँ बाप की मेहनत लगी है, उनका त्याग लगा हुआ। ये चीज बच्चों को समझानी है। हम एक अजीब सा इम्बैलेंस होते जा रहे हैं लाइफ में, हम लोग दूसरे को टाइम ही नहीं देते हैं। जब टाइम नहीं देते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट नहीं करते हैं, एक दूसरे से वार्ता नहीं करते हैं, तो जब घर में बच्चों को या घर में परिवार के सदस्यों को समय नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, तो वो उसको तो प्रेम चाहिए। देखिए ये आत्मा है, इसको तो प्रेम चाहिए, जीवन है, मनुष्य है, मानव मात्र को प्रेम चाहिए। जानवर को प्रेम, आप कभी आपने अगर कोई पेट पाले हो किसी को पता होगा उनको, जैसे वो घर में घुसते कहते हैं पेट जो है भागता हुआ आता है कि पहले मेरे को पकड़ो, पहले मेरे को पकड़ो, मेरे से प्यार करो। वाइफ बच्चे सब एक कोने में खड़े, सबसे पहले पेट अब भाग के आता है, उसको भी प्यार चाहिए। अब थोड़ी देर प्यार कर दिए, वो प्यार उसको मिल जाए चला जाएगा। हर जीव को प्यार चाहिए, हर जीव को कंपैशन चाहिए। उसके लिए हमको ये देखना है कि हम कहीं इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे। अगर हमने किसी परिवार के सदस्य के प्रति इग्नोर कर रहे हैं, उसको इग्नोरेंस कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं उस सदस्य को, तो फिर इस प्रेम को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाएगा, दूसरी चीजों में जाएगा। फिर वो उसका आगे का अपना चरित्र होगा कि वो किस तरह सब जाता है। हो सकता है धार्मिक की तरफ चला जाए, हो सकता है किसी गुरु की तरफ चला जाए, हो सकता है सनातन कहीं संन्यास की तरफ चला जाए, हो सकता है कोई काम में अपने आप को इतना लगा दे कि आप कहीं ये पागल हुआ जा रहा है काम के लिए, पैसे कमाने के लिए काम, मतलब दैट वुड बी बैलेंस्ड लाइफ। इसलिए बैलेंस लाने के लिए लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि घर में एक दूसरे के प्रति लोग प्रेम से कंपैशन से जुड़े, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनसे डिस्कस करें, एक दूसरे इंटरपर्सनल रिलेशन जिसे कहते हैं ना घर के अंदर, वो दूर नहीं होने चाहिए। अगर आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, बाहर कहीं हैं, तो ट्राई टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद देम। आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए,
अब देखिए कितने तनाव में आदमी जीता है, तनाव में क्यों जीता है, वो इसलिए को खुश रहना चाहता है और खुश नहीं रह पा रहा है, तो उसके सामने इतनी समस्याएं होती है, चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, ये मेरी सुन नहीं रहा, वो मेरी सुनता नहीं, वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, वो मेरी बात को नहीं समझ रहा है, या हम समझना नहीं चाहते, या हम समझा नहीं पाते हैं, या हम एक दूसरे से बात नहीं करते, या मन ही मन में गुब्बारे बनाते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, और उनकी वजह से तनाव आते जाते हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं, चला ड्राइव कर रहे हैं, आपके बगल से कोई रॉन्ग साइड से निकल गया, बैठे बैठे आपने क्या किया, आपके मुंह से एक भद्दी सी गाली निकल जाती है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बड़ी भद्दी सी गाली उसके लिए निकल गई, आपके शीशे बंद है, एसी में आप बैठे हुए, आपने गाली दी, उस तक वो पहुंची नहीं, उसने सुनी नहीं, उसको पता नहीं क्या हुआ, उस गाली की नेगेटिविटी नकारात्मकता जो है वो आपकी कार के अंदर ही रही, अगली बार फिर किसने की, आप एक की जगह दो गाली निकलेगी, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिविटी आपकी कार के अंदर ही घूम रही, शीशों के अंदर ही है, और कोई सुन नहीं रहा, सिर्फ आप बोल रहे हो और आप ही सुन रहे हो, आप ही उस नेगेटिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हो और आप ही उसको कंज्यूम भी कर रहे हो, तो इससे तनाव बढ़ेगा या कम होगा? इट वंस हैपेंड विद मी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे बदौरी साहब ने कहा कि ना जिया है, तो मैं वही बोलता हूँ जो मैं खुद जिया होता हूँ, मैं कार में बैठा हुआ एक दाएं बाएं गया, मैं बहुत भद्दी गालियां तो नहीं बोलता लेकिन कमीने कुत्ते टाइप का भी निकल जा गया मुझसे, तो सडनली आई रियलाइज्ड, मैं तो कार के अंदर बैठे हुआ तो करके निकल गया, मैंने बोला किसको, जो शीशे में आदमी दिख रहा उसको मैंने बोला, जो सामने बैक डोर में अब देख रहा कि कौन था, मैंने किसको गाली दी, किसको कहा, ये तो कार के अंदर ही घूम रही, तो मैंने अपने आप से कहा, और इससे उसको कोई फायदा तो होना था या नहीं होना था, उसने तो सुना नहीं, मुझे क्या फायदा हुआ, मैं तो और टेंस हो गया और परेशान हो गया, और यही चीजें बढ़ाती हैं, सड़क के ऊपर झगड़े होना, रोड रेज होना, कितने झगड़े हो जाते हैं दिल्ली और गुड़गांव नोएडा में, तो बहुत आम बात है रोड रेज हो जाना, झगड़े हो जाना कार चलाने को लेके, ड्राइव को लेके, कि हम लोग तनाव के साथ, काम के तनाव, घर के तनाव, इसके तनाव, उसके तनाव के साथ गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे में किसी ने दाएं बाएं कर दिया, और यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, यू स्टार्ट रिब्यूकिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हो, एक दूसरे से मुहांचाई शुरू हो जाती है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आवाज हाई पिच में चली जाती है, हाई पिच में जाने के बाद फिर वो मारपीट में तब्दील हो जाती है, देयर इज नो एंड, क्योंकि वहां फिर ईगो बीच में आ जाती है कि तुमने कैसे कह दिया, तुमने कैसे कह दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। तो कभी भी आप अगर किसी बहुत बड़े झगड़े में जहां रोड रेज हुआ हो, अगर उसके जड़ में जाएंगे ना, उसके मूल में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसने बस गाड़ी थोड़ी सी उसके बाएं से निकाल ली, क्या ये इतना बड़ा गुनाह था जिसके लिए किसी की हत्या कर दी जाए, या किसी का मर्डर कर दिया जाए, या किसी के साथ मारपीट कर दिया जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए, या उसके गाड़ी के नीचे उसको कुचल दिया जाए। हमारे एक रिलेशन में थे गुड़गांव में, हमारे कजिन के बेटे डॉक्टर थे, रोड रेज में उसको घसीटते हुए 100 मीटर तक ले गए, 2 साल तक वो आदमी नोएडा के एक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा रहा, एंड आफ्टर 2 ईयर्स ही एक्सपायर्ड। उनका फिर टीवी में इंटरव्यू भी आया था उनके पेरेंट्स का, रिसेंटली उनके फादर की भी डेथ हो गई। तो इसका क्या है? क्योंकि हम कहीं कहीं अपने घर में चीजों को सुधारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात हो गई, कोई चीज किसी ने कह दी, कोई चीज जगह पे नहीं पड़ी हुई है, बोलना शुरू कर दिया, वहां से रिप्लाई मिल गया कि वो भी किचन में लगी हुई है, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, उनको भी जल्दी जल्दी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम दिखती है, अपने काम दिखते हैं, और ये काम और एक दूसरे को इग्नोर करना, दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझना, ये इस तरीके से चीजों की इंटेंसिटी या एक आपस में चीजों को बढ़ा देती है, रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा वो खटास ला देती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि एक दूसरे की शक्ल देखते गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है मैं घर से निकल जाऊं, सामने पड़ते ही आपको लगेगा रे, ये चीज हम लोग को हटानी है, एक बैलेंस लाना है लाइफ में, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशंस को प्रगाढ़ करना है, आपस में बात करनी है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हमें मैंने इस चीज को बहुत समझा है, हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, बच्चों से भी बात नहीं करते हैं, पेरेंट्स से भी बात नहीं करते हैं, अपनी मन में लिए बैठे रहते चीजों को, इन सब चीजों से थोड़ी निजात पाने की कोशिश कीजिए, इन सब चीजों से छुटकारा पाइए,
अपनी बात कही, जब आप बात कह देते हो ना, आप कभी किसी को देखो को बहुत परेशान हो तो इफ अगर आप उनके कॉन्फिडेंस में हैं वो आपको फोन करेंगे, आप उनसे जरा सा छेड़ दो क्या बात है कि तुम्हारी आवाज में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, एंड दे विल स्टार्ट टॉकिंग, और काफी कुछ सुनाने समझाने के बाद फिर सडनली दे विल फील कि यार आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। उसने अपनी बात कह दी लेकिन उसके घर में कोई बात सुनने वाला नहीं था, वहां पर वही इंटेंसिटी बनी हुई है। यही बात अगर उसने घर में अपने कर दी होती तो उधर की बात भी सुन ली होती, उधर की भी इंटेंसिटी खत्म हो गई होती, चीजें कितनी जल्दी सुधर सकती थी। ये मैं एक चीज आज की लाना चाहता था कि मैंने देखा कि चीजें समाज में हम लोग सामने सामने कुछ कह देते हैं और जैसे ही वो आदमी आपके बगल से आगे निकल जाता है उसके बारे में परसेप्शन एकदम चेंज हो जाता है हम लोग का। अरे तो उसके सामने क्यों कहा, उसकी तारीफ क्यों की, जस्ट ताकि वो, तो ये चीजें थोड़ी अपने चरित्र में हम लोग को बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने विचार में बदलाव लाना पड़ेगा। जो अच्छा है सो है, जो बुरा है सो बुरा है, अगर बुरा है हमें उससे नफरत नहीं करनी है, क्योंकि नफरत करना एक बीमारी है। आप कितने लोगों से नफरत करोगे, कितने लोगों से हेट करोगे? अगर आप किसी को पसंद नहीं करते आप उसको अवॉइड करिए, आप उसको लाइक मत करिए, आप इनडिफरेंट रहिए। मैं कहता था ना सच झूठ भी मत बोलिए, रहिए ऐसे। अगर आप किसी आदमी को पसंद नहीं करते हैं तो आप इनडिफरेंट हो जाइए उसके प्रति, आप उसको लाइक मत करिए, पसंद मत करिए, लेकिन उससे नफरत मत करिए। नफरत करने का मतलब यू आर डूइंग समथिंग विद हिम, आपने उसके साथ कुछ किया, आपने उसके साथ नफरत की, यहीं से एक नफरत की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, नकारात्मकता शुरू हो गई। और किसी से नफरत करने से बड़ी बीमारी कोई नहीं है, क्योंकि एक बार आपने इसको मन में पाल लिया तो एक गांठ आपके अंदर बैठ गई, और अगले को जब पता चलेगा, और कहीं ना कहीं से आप अपनी बातों से, अपने हाव भाव से, अपने विचारों से या अपनी वाइब्रेशन से उसको ये महसूस करा देते हैं कि आप उससे नफरत करते हैं। तो आप जब किसी को ये चीज महसूस कराएंगे तो वो क्या उसका रिप्लाई नहीं देगा, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसकी भी वाइब्रेशन वही हो जाएंगे। हो सकता है मुंह से कुछ ना कहे लेकिन उसके हाव भाव, उसका चाल चरित्र आपके प्रति, उसकी बातें या उसके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द निकल आएंगे, ऐसे जेस्चर्स होंगे जो आपकी नफरत से सवा या डेढ़ गुने बड़े होंगे। तो हम अजीब से रिलेशनशिप में फंसते चले जाते हो, यही सब हमारे तनाव का कारण है। आप कोशिश करें, आप संबंध बनाएं, कम लोगों से संबंध बने, लेकिन ऐसे संबंध बने जिनमें सकारात्मकता हो, एक दूसरे के, एक दूसरे को देखकर खुश हो, कहीं एक दूसरे से मिले तो हंस के मिले। आप साल डेढ़ साल दो साल बाद मिले लेकिन जब भी मिले तो गले लग के मिले, आह मजा आ गया। ऐसा ना हो कि किसी किसको देखा तो उससे आंखें चुरानी पड़े आपको, आपको उससे दूर हटना पड़े, या कोशिश ऐसी हो जाए किसी महफिल में मिल गए या किसी संगठन में कहीं, तो उससे सामना ना हो जाए। ऐसे रिलेशन मत रखिए, कम रिलेशन रखिए लेकिन पॉजिटिव रिलेशन रखिए, सकारात्मक रिलेशन रखिए, और ये सकारात्मकता आपके घर से शुरू होनी चाहिए, आपके अपने घर से, आपके अपने परिवार से शुरू होनी चाहिए, आपके अपने समाज से शुरू होनी चाहिए, आपके घर में, परिवार में आपका एक एक व्यक्ति से रिलेशन सकारात्मक होना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई है, तब भी कोशिश करिए कि उसको सुलझा लें, नहीं सुलझ सकती, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ईगो बीच में आ रहा है, इसकी वजह से वो चीज सुलझ नहीं सक रही। गलती मांग लीजिए, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता बल्कि बड़ा ही रहता है, झुकने हमेशा बड़ा होता है। ये कोई इसका इंतजार मत कीजिए कि सामने वाला आपसे माफी, कोशिश कीजिए वातावरण में, चारों तरफ के घर में आपके सकारात्मकता रहे। एक बार ये चीज आ गई तो आपको खुद महसूस होगा कि घर में आपके परिवार के सदस्यों के अलावा भी कोई रहता है, और वो कोई और नहीं होता है।
उस घर में रहता है, सकारात्मकता रहता है, प्रेम राजा आपस में संवाद होता है, जहां लोग एक दूसरे से खुश होते, एक दूसरे की प्रशंसा करते, एक दूसरे को एनकरेज करते, एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करते हुए उसकी कमजोरियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उस घर में ईश्वर का वास होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। बात ईश्वर की आई है तो एक बड़ी अच्छी चीज हमने पढ़ी और सुनी कि हम में और संतों में फर्क क्या है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, हम सिर्फ ये जानते कि ईश्वर है। वी बिलीव इन गॉड। और यहां जितने भी हम लोग इस मीटिंग में बैठे हुए, एवरीबॉडी बिलीव इन गॉड। सब लोग गीता पे विश्वास रखते हैं, सब लोग विश्वास रखते हैं महाभारत पे, सब लोग विश्वास रखते हैं रामायण पे, सब लोग विश्वास रखते हैं राम कृष्ण सब पे विश्वास, सब विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है, कहीं ना कहीं है। ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसे है, ये हमें भी नहीं पता, कोई नहीं जानता। हम लोग सामने मूर्तियां रख दी गई, हम लोग छोटे थे तो कहा गया ये शिव जी है, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये हनुमान जी है, ये माँ सीता है, ये माँ पार्वती है, ये राधा माँ है, हमने उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर दिया। ये सब किन चीजों से आई है? सिर्फ एक एक कोई ताकत है जो ईश्वर है, जो गॉड है। पिछली मीटिंग में जैसे मैंने कहा था, गॉड पार्टिकल हर चीज में है, मतलब किसी भी छोटे से जो छोटा सा एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तीनों है। लेकिन ये जब गति कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में दौड़ रहा है, प्रोटॉन अपनी इसको बैलेंस कर रहा है, न्यूट्रॉन बीच में बैठा हुआ है, तो जो गति चल रही है, जो उसमें गतिमान है, चलायमान है, उनको चलाने वाला ही गॉड पार्टिकल है, यानी एक शक्ति है। वो एक शक्ति ईश्वर विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न अलग अलग रूपों में हम लोग के सामने है, हम उसको मानते हैं, हम उस ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बिलीव इन गॉड। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं, इनको हमें कहते हैं कि ईश्वर के बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं, वो ईश्वर को जानते हैं, दे नो गॉड। वी बिलीव इन गॉड, दे नो गॉड। हम ईश्वर में सिर्फ विश्वास रखते हैं, लेकिन संत पुरुष जितने भी हुए हैं, जिन्होंने हमको दिशा दिखाई है जीवन में आगे, वो सब ईश्वर को जानते थे। और आज की तिथि में भी जो इस तरह के संत पुरुष हैं, वो सब ईश्वर को जानते थे, नो गॉड। यही डिफरेंस है। और जिस दिन हम लोगों में से कोई भी उस ईश्वर में आस्था रखने के साथ साथ, उस ईश्वर में विश्वास रखने के साथ, जब उस ईश्वर को जानने लगेगा, उस दिन हम स्वयं में संत हो जाएंगे। वो संत प्लस वो प्रकाश हम में आ जाएगा, वो ज्ञान हम में आ जाएगा, जिस दिन हमने ईश्वर को जान लिया। हम स्वयं ईश्वर हैं, आप स्वयं ईश्वर है, एक एक व्यक्ति ईश्वर है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके अंदर भी उसी का तत्व है, जिससे हम नफरत करते हैं या जिससे हम लाइक नहीं करते हैं उसमें भी उसी ईश्वर का तत्व है, जिसको देखकर हमको घृणा होती उसमें भी उसी ईश्वर का तत्व है। हम उस समुद्र की लहर है, हम ये तो जानते हैं कि समुद्र ईश्वर है, लहर जानती कि समुद्र ईश्वर, लेकिन लहर ये नहीं जानती कि वो लहर भी उसी समुद्र का पार्ट है। जब उसमें समा जाती है तो वो भी ईश्वर है, उससे अलग है तब भी वो ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर तो हमारे चारों तरफ है, ये प्रकृति की एक एक चीज ईश्वर है। परसेप्शन की बात करता हूं, जैसे एक हमारे कॉलीग से बात हो रही थी दिल्ली में, सब पोस्टेड है, तो कह रहे थे आप शिव, मेरी बड़ी आस्था में, मतलब शिव जी को बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनकी कहीं भी शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिन बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी को किस रूप में देखते हो, किस रूप में देखते हो? मैंने कहा मुझे किसी भी रूप में दिख जाए। उन्होंने कहा सर मैं एक बार देहरादून से आ रहा था वापिस हरिद्वार, तो रास्ते में दो माउंटेन्स, रात के टाइम रहे होगा ट्रेन में, या तो दो माउंटेन्स की खड़ी थी, मतलब दो पर्वत शिखाएं थी काली की दिख रही थी, और बीच चंद्रमा, मुझे वो साक्षात पर्टिकुलर नेचर, आप उसमें ही
का प्रतिबिंब देख सबको एक देख रहा था तो भगवान शिव खड़े हुए, इतना सुंदर रूप प्रकृति का देख लिया, वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति के आ रहे, और हमको उसमें विश्वास रखना है। विश्वास रखेंगे तो धीरे धीरे हम उसको जानने लगेंगे, और जब जान जाएंगे तो फिर हमको किस चीज की जरूरत रह जाएगी, किसी चीज की भी नहीं, ना हम में किसी की नकारात्मकता रह जाएगी, क्योंकि हम हर उस आदमी में जिससे हम जिसका की नजर से देखते हैं, जिससे हम नफरत करते हैं, हमें उसमें ईश्वर दिखने लगेगा, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है। तो जितने तनाव की बातें होती ना, जितने झगड़े की बातें होती या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें होती, वो सब समाप्त हो जाएंगे, चारों तरफ आनंद ही आनंद आ जाएगा। आनंद की बात देखिए, आनंद किसको कहेंगे और हैप्पीनेस किसको कहेंगे, मतलब प्लेजर एंड हैप्पीनेस एक दो पर्टिकुलर वर्ड्स है। हर आदमी शुरुआत में प्लेजर की तरफ भागता है, वो हमको शारीरिक आनंद जिससे भौतिकतावादी कहे जाएगा, भौतिक किस तरीके सुख प्राप्त हो, अच्छा कपड़ा पहन ले, अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छे घर में रह ले, अच्छे गद्दे मिल जाए, अच्छे तकिया मिल जाए, अच्छा ओढ़ने को मिल जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, ये सब प्लेजर्स हैं, प्लेजर्स जिनको जैसे ही प्राप्त कर लोगे वो समाप्त हो जाता है, वो समाप्त होने वाली चीज है, उसका अंत है, प्लेजर अंतहीन नहीं है। ये हमारी लाइफ जो है, जीवन हमारा जो चल रहा है, ये अनलिमिटेड जर्नी है। जैसे मैं कई बार कहा कि रिसाइकिल होकर आत्माएं बार बार आ रही हैं, ईश्वर का विराट स्वरूप है, एक तरफ से सब जा रहे हैं ईश्वर के मुख में और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, दोबारा नए शरीर को धारण करके निकल रहे हैं। तो ये अंतहीन यात्राएं हैं, समुद्र में से लगातार लहरें बन रही है, कभी कोई जल लहर बनाता है, कभी कोई जल लहर बनाता है, कभी कोई जल लहर बनाता है, लहरें लगातार बन रही, लहरों का अंत नहीं है। हमारे आने से पहले भी लहरें थी, हमारे जाने के बाद भी समुद्र में लहरें होंगी, लहरें लगातार करती है, लहरें ही हमारी आत्माएं हैं, मतलब वो उसी ईश्वर का अंश है, वो समझे सिंबॉलिक चीज बता रहा हूं। तो जब हमारी ये निरंतर यात्रा है तो इसमें हमारा प्रयास क्या है कि हम परेशान वही चीज आती है कि हम परेशान क्यों हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, सुख कौन सा चाहते हैं, तो आत्मा को हैप्पीनेस जिसे कहते हैं। ये एक निरंतर यात्रा, इट इज ए कंटिन्यूस जर्नी। अगर हम कहें कि आज मैंने खुशी ले देख ली और इसके बाद फिर हम उसके बाद हमें कुछ नहीं करना बैठ जाएंगे, नहीं, इट इज ए कंटिन्यूस जर्नी, वी हैव टू इंक्रीज इट। लेकिन जो प्लेजर है, प्लेजर जो हमें एक चीज से जिसको भौतिक सुख कहा जाता है, उस तक अगर हम पहुंचेंगे तो जैसे ही वो भौतिक चीज हमको प्राप्त होती है, हमको अच्छे कपड़े चाहिए, हमने एक दुकान पे देखी, हमारा बहुत मन हुआ, हम गए खरीद के ले आए, उसके बनवा लिया, पहन लिया, उसका सुख समाप्त। ऐसे ही अगर हमको कार चाहिए, एक चौपहिया वाहन आ गया, उसको ले लिया, हमारा सुख समाप्त हो गया। फिर अगर हमको वैसे ही चार चौपहिये भी दे दिए जाएंगे तो हमारा सुख बढ़ेगा नहीं, फिर हमें बड़ी उससे बड़ी की चीज चाहिए, और ज्यादा चीज चाहिए, और ज्यादा चीज, वो अंतहीन वो है। लेकिन जो आनंद मिलता है ना ईश्वर की प्राप्ति का, संतोष का, जब हम जान जाते हैं कि कण कण में ईश्वर है और एक एक चीज उसने बनाई है और उसने अपने हिसाब से बनाई है और उसने इस तरीके से बनाई है कि कहीं कोई इम्बेलेंस नहीं है, जो भी इम्बेलेंस है हमने क्रिएट कर दिया है, चाहे वो प्रकृति में किया है, चाहे अपने विचारों में किया है, चाहे अपनी सोच में किया है, चाहे अपने थॉट्स में किया है, अपने परिवार में किया है, जहां भी ये नेगेटिविटी है वो हमारे द्वारा प्रोड्यूस की गई, उन्होंने पूरा बैलेंस बनाया, उन्होंने एक एक, अब कभी देखिए किस तरीके से बैलेंस है, पत्तियां खानी है तो बकरी को किसी ने खाना, उसने किसी ने खाना, किसी के लिए खाने का कैसे इंतजाम करना है, कैसे उसने मिल्क का प्रोडक्शन किया है, कैसे उसने पानी की उत्पत्ति की। अब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो उसकी कीमत नहीं जानते, 5 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए ऑक्सीजन एकदम जीरो कर दिया जाए, पूरा संसार तहस नहस हो जाए। लेकिन चूंकि चीज फ्री में मिल रही है, बहुतायत में मिल रही है, हमें उसकी कदर नहीं होती, आंखों से हम देख रहे हैं, हमें कदर नहीं है। जब मोतियाबिंद हो जाता है तब समझ में आता है कि आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है। जब ऑप्टिक नर्व्स जो है डैमेज होने लगती है और आपको ग्लूकोमा शुरू हो जाता है, तब पता चलता है कि नेत्र की जो शक्ति है, देखने की जो हमारी शक्ति है, कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सूंघने की शक्ति, हमारी
नासिका, हमारे कान, हमारी उंगलियां, जब हम चलती रहती हैं, उनसे काम लेते रहते हैं, हमें उनकी कद्र नहीं रहती। लेकिन जैसे ही एक उंगली में चोट लग जाए या एक उंगली कट जाए, फिर आप देखिए अंगूठा कट जाए तो आप अंगूठे का निशान नहीं लगा सकते, आप पेन नहीं पकड़ सकते, आप लिख नहीं सकते। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, जब तक रहती है तब तक हम उसको नहीं समझ पाते। एक हमारी भौतिकता वाला मानसिकता में हम कहेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड बनना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं, हम बड़े अपग्रेडेड हैं, सोसाइटी के साथ चल रहे हैं। आज की तारीख में जो हो रहा है, जिस तरह के रिलेशनशिप्स है, हम उसका बड़े बड़े से बखान करते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं अपने अंदर है, हम भौतिकता दिखाना चाहते हैं, ओपन माइंड होना चाहते हैं और होते भी हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक हमारी सुविधा हमारे साथ चलती है। जहां हमारी सुविधा खत्म होती है, हम बिल्कुल बैकफुट पे चलते हैं, ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज आपको बताता हूं। कोई भी ब्रदर अपनी सिस्टर से अपने घर में बात करेगा ओपन माइंड होने की, मेरी गर्लफ्रेंड है, आई हैव ए गर्लफ्रेंड, वो है सो एंड सो है, सो एंड सो है, और बड़ी शान से बताएगा, बड़ी अकड़ से बताएगा, हम ओपन माइंड के हो गए, हमने बात कर ली। लेकिन जिस दिन किसी उसकी सिस्टर ने कह दिया कि आई हैव बॉयफ्रेंड, देखिए घर में कैसा कोहराम मचता है। एक अजीब सा कह रहे ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है हम लोग की सोसाइटी का, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा। या तो हम एक तरफ चले, पूरे ओपन माइंड वाले हो जाएं, लेकिन नहीं, वहीं तक जहां तक हमारी सुविधा है वहां तक चलेंगे, जहां हमारी सुविधा समाप्त हो जाती है वहां पर हम बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। इन्हीं से परिवारों में, इन्हीं से आपस के रिश्तों में तनाव बढ़ता है, परेशानियां बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो आप उन कामों को करिए जो आपके साथ करने पे बुरे ना लगे। गुरु जी ने कहा था, उनका एक थॉट है, कभी दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो खुद के साथ करने पे बुरा लगे। आप अगर किसी दूसरे के परिवार की किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या इस तरह के रिलेशनशिप की बात करते हैं और उसको बदनाम करते हैं या उसका बखान करते हैं, तो आप फिर इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि आपके परिवार के साथ भी ये होगा, हो सकता है। तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार रखिए जो आपको खुद के साथ करने पे बुरा ना लगे। जिस दिन आपने अपने बच्चों को ये शिक्षा दे दी, अपने लड़कों को ये शिक्षा दे दी कि जिस तरीके से तुम दूसरे के घर में उटपटांग विचार रखते हुए प्रवेश करते हो या उटपटांग विचार रखते हुए दूसरे के लोगों को परेशान रखते हो या उटपटांग रिलेशनशिप की बात करते हो, अगर तुम्हारे अपने परिवार के साथ होगा तो कितना खराब लगेगा तुम्हें, उस दिन सब सुधर जाएंगे, सब सुधार हो जाएगा। तो कभी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। हम लोग बड़े किसी का भी मजाक कभी भी कैसे उड़ा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो देखिए, वो कुछ नहीं है तो किसी के बालों के बारे में कह दिया, कुछ नहीं तो कोई बहुत दुबला तो उसके बारे में कह दिया, कोई किसी ने किसी जगह ऑफिस में कोई बात हो गई, कुछ हो गई तो उसको बहुत बढ़ा के बताना शुरू देते हैं। लेकिन वहीं उन्हीं परिस्थितियों में जब हम आते हैं और हमारे बारे में लोग कहना शुरू करते हैं, तो आप सोचिए कितना आघात लगता है, कितना बुरा लगता है। तो आप ही उसमें प्रतिभागी क्यों होते हैं, दूसरे की बुराई करने में या दूसरे की गलत बातों की या उसके साथ कोई घटना हो गई या दुर्घटना हो गई, तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो फिर जब आपके साथ ऐसा होगा, और होना सबके साथ है, प्रकृति ने सब कुछ न्याय यहीं पर रखा हुआ है, बैलेंसेस किए हुए, ईश्वर के सब बैलेंस किए हुए। अगर आज आपने किसी के साथ बुरा किया है या किसी की बुराई पे आपको आनंद आया है, तो मान के चलिए आपके साथ भी बुरा होगा या आपकी बुराई कभी बुरा होगा तो उस पर उसको भी उतना ही आनंद, बल्कि उससे ज्यादा आनंद आएगा। तो आप हमेशा दूसरों के साथ वही भी व्यवहार करें जो आपको अपने सामने पे अच्छा लगे। और जिस दिन आपने इस तरह के सोच लिया, आपकी समझ इस तरह की हो गई, तो आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। बुरा करना तो क्या, बुरा सोच भी नहीं सकते। और जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई कि आपको दूसरे के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है,
आपकी नकारात्मकता का अंत वहीं पे हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे किसी दूसरे को बुरा नहीं करना, क्योंकि ये आपके विचार ही हैं, आपके अपने विचार हैं, आपके अपने संस्कार हैं जो आपके अंदर इस तरह की नेगेटिविटी लाते हैं। अगर हैं तो उनको दूर करिए, उनको बदलिए आज अभी और इसी वक्त, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हम लोग को नहीं पता कि कितना वक्त है हमारे पास, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो क्यों ना इस बुराई को इमीडिएट दूर करके अपने आप को पॉजिटिविटी से भर दे। और जो लोग पॉजिटिव होते हैं कभी उनके चेहरे को देखिए कितनी चमक होती है, और जो नेगेटिव पीपल होते हैं उनके चेहरे से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी धूर्तता भरी हुई है इस आदमी में। वो हमेशा बुरा ही सोचेगा कि कैसे इस आदमी को परेशान किया जाए, कैसे ऐसी चेस की बाजी लगाई जाए जिसमें परेशान हो जाए, किस तरीके से गोटियां बिछाई जाए कि तंग होता घूमे। अगर आप किसी दूसरे को तंग करोगे तो आप ये मान के चलिए कि आप स्वयं भी हमेशा तंग रहोगे, क्योंकि जब आप किसी के लिए बुराइयां ढूंढते हो, उनके लिए बुरा करना चाहते हो, उसके लिए बुरा सोचते हो, तो आप उसका परिणाम देखना चाहते हो। अगर वो परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होगा तो आप और परेशान हो जाएंगे, और आपकी अपेक्षा के अनुसार होगा उसका जो रिएक्शन होगा उससे तो और ज्यादा परेशान होना ही। तो आप कभी किसी के रास्ते में किसी तरह का भी कांटा मत बोइए, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि वो अगर आपके ऊपर आन पड़े प्राकृतिक रूप में भी तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सीढ़ियां चढ़ते तो उतरना भी वही है और लोग वही होंगे, वही मिलेंगे। चढ़ते हुए अगर आपकी तारीफें की गई हैं तो उतरते टाइम जिस पर आप फिसल के गिर रहे होंगे तो वही लोग हंसेंगे भी, अगर आपने दूसरों पे हंसे हैं तो। ये मान के चलना कि हमारे नियंत्रण में कुछ है नहीं। आज की तारीख में जिसको हम कहते हैं ना ये दुर्घटना है या ये गलत हो गया हमारे साथ, इनफैक्ट वो तो एक घटना है ना, उसको एक घट, ये तो निरंतर संसार में घटनाएं होती चली जा रही है, संसार निरंतर चलता चला जा रहा है, एक घटना दूसरी घटना तीसरी घटना, सबके साथ कुछ ना कुछ घट रहा, समाज में रहेंगे घटनाएं होंगी होंगी। जब घटनाएं हमारे अनुकूल होती हैं, हमारी सोच के अनुसार होती हैं, जो हम चाहते हैं उसके अनुसार होने लगे तो हम कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी घटना थी, बड़ी सुंदर बात हुई है, बड़ी हमारे मन मुताबिक बात हो गई, कोर्ट में हमारे मन मुताबिक फैसला आ जाए तो साहब बड़ी सुंदर घटना है, और अगर हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो दुर्घटना हो गई। अगर हमने जो चीज करना चाह रहे थे वो हो गई तो बड़ी सुंदर बात हो गई, नहीं हुई तो दुर्घटना। इनफैक्ट जो हो रहा है एक घटना है, इसका अच्छा होना या बुरा होना वो आपकी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी किसी हमारे मित्र थे, उन्होंने कार ली, एकदम नई कार ली, कार लेके वो अपने घर जा रहे थे, अराउंड 200 किलोमीटर कानपुर से करीब थे, तो रास्ते में ही खाई थी, मतलब बुंदेलखंड का एरिया ना, उसमें कहीं कहीं थोड़े से छोटे छोटे पहाड़, छोटी छोटी खाइयां हैं, तो वो उनकी इम्बैलेंस होके गाड़ी किसी को बचाने के चक्कर में इम्बैलेंस होके गाड़ी गिर गई, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। दैट वॉज ए दुर्घटना फॉर सम पीपल और अच्छी घटना फॉर सम पीपल। मैंने उससे जैसे कहा कि फिर तो गाड़ी तो आपके लिए बड़ी बशकुन वाली हुई, तो जो अच्छे ही सोच वाले थे उनका जवाब था ये तुम कैसे कह सकते हो। उनका देखो उस गाड़ी में, गाड़ी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, घटना तो होनी थी, एक्सीडेंट तो होना था, लेकिन हम में से किसी को कोई चोट नहीं लगी, हम घर के सब लोग सुरक्षित रहे, उस गाड़ी ने हमको बचा लिया, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई, टोटल डैमेज हो गई थी, और बाद में इंश्योरेंस से उनका क्लेम वगैरह मिला, तो गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। उस गाड़ी हमारे लिए इतनी लकी रही कि हमारे घर के सभी लोगों ने उतनी बड़ी घटना को बर्दाश्त कर लिया, एक छतरी लग गई हमारे लिए। और वही जो नकारात्मकता की तरीके सोचते हैं, जो थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड वाले सोच सकते हैं, वो यही सोचते हैं बताओ अभी अभी नई गाड़ी ली थी जाते डैमेज हो गई। तो जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, हमारी सोच के अनुसार नहीं होती, हमारे अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होती तो एक दुर्घटना हो जाती है, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होती है तो घटना हो जाती है। तो हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी सोच को, अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखना है। अगर कोई दुर्घटना भी हुई है
तो उसमें भी कोशिश करिए ढूंढने की उसमें क्या ऐसी अच्छाई थी जिससे हमारा भला हुआ या हमारे नुकसान कितना कम हुआ, कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था जो रह गया बच गया। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं, मैं साथ में कहीं भी कहता चलूं, जिनका किसी तरह से कोई भी कहा जाए पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो दुर्घटनाएं या घटना नहीं होती, वो तथ्य होते जीवन के। कोरोना में हमने बहुत लोगों को खोया है, बहुत लोगों को अपनों को खोया है। कोई दुर्घटना नहीं थी, वो भी घटनाएं थी, वो भी ईश्वर का प्रकोप था, वो भी वायरस एक ऐसा जीव उत्पन्न हुआ जो अपने साथ कई लोगों को लेके गया। लेकिन वो एक तथ्य है, जीवन का तथ्य है, जो आया है उसको जाना है। वो अपने साथ अपनी यात्रा पूरी करके गया, पीछे गए हुए लोगों के आंखों में आंसू छोड़ गया, लेकिन बहुत सीख दे के गया। हम लोग की आदतों में कितना बदलाव हो गया है, हमने कितना कुछ सीखा है कोरोना से, जीवन का एक बिल्कुल ढर्रा ही बदल गया है। आपने सैनिटेशन के बारे में कितना आपको नॉलेज हो गई जो पहले कभी नहीं थी। बच्चे स्कूल से आते हैं, आप सीधे कहते हो हाथ धो, आप ऑफिस से आते हो सीधे साबुन लेके टैप के नीचे हाथ रखते हो, हाथ अच्छे से धोते हो, वो 20 सेकंड वाली जो था ना, अब 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे इस तरह धोएंगे। इट हैज कम एज ए हैबिट इन योर लाइफ, कई चीजें दे गया जिससे हम दूसरी बीमारियों से भी बच रहे हैं, जो पहले हमें जाने अनजाने हमारे साथ चले जाते थे, खासकर पानी के साथ या गंदगी के साथ पेट में चले जाते थे, वो सब चीजें दूर हुई हैं। एक आखिरी बात कहूंगा, 52 मिनट हो गए लेकिन मैं 3-4 मिनट और लूंगा, क्योंकि आजकल मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें कुछ प्रश्न वगैरह पूछे जाए, कोई वो भी नहीं दिख रहा मेरे को किसी ने कोई संदेश दिया हो। 3-4 मिनट के लिए मैं एक बात करूंगा, मुझे असल मैं जब बोलता हूँ तो आज मुझे क्या सोचा था मुझे नहीं पता, वेयर आई स्टार्टेड मुझे नहीं पता, एंड आई स्टार्टेड जो मुझे याद आया जो समझ में आया, क्योंकि एक जगह से होके आया था, बारात में मैं ऑब्जर्व कर रहा था गाड़ी में बैठा सब जगह। हम लोग दूसरों की आलोचना करने में बहुत आगे होते हैं, इसने ऐसा कहा इसने वैसा कहा, मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, मैं इस चीज को हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करता हूँ। हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए उसने वैसा नहीं करना चाहिए था। और अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, बड़ी भूल कर दी है, तो हम लोग इमीडिएट जज बन जाते हैं, जज बन के फैसला सुना देते हैं और सजा सुना देते हैं, इसको ये सजा होनी ही चाहिए, उसने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। लेकिन जब वैसी ही गलती या उससे कहीं ज्यादा गलती हमसे हो जाती, हम स्वयं कर देते हैं, तब हम न जज बनते हैं, न सजा सुनाते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं, बल्कि हम जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते, वी ट्राई टू जस्टिफाई कि सब इस वजह से ही हुआ, हम उसके कारण ढूंढते हैं और कारण बताते हैं। और ये बचपन से हम लोग के सामने आते हैं, बच्चा है छोटा सा होता है अपनी गलती को नहीं मानता, स्टार्ट्स टेलिंग आदतों में आ जाता है। तो दूसरों की गलती के लिए जज बन जाना और अपनी गलती के लिए जस्टिफिकेशन देना एक बहुत आम बात है, बहुत नॉर्मल बात है, और इसकी मैं कोई नई चीज नहीं बताऊं, लेकिन इसको करना कैसे ठीक। गलती किसी से है कभी भी हो सकती है, आप उनको गलतियों को इग्नोर भी मत करिए, आप उन गलतियों को स्वीकार करिए, उनको मानिए। और अगर ऐसी कोई गलती हो गई है जिसमें कि आप क्षमा याचना करके या सॉरी कहकर उससे आप चीजों को नॉर्मल कर सकते हैं, तो कोशिश करिए उससे नॉर्मल हो जाए, उससे लोग आपको जस्टिफाई करने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे कि आप इस चीज को जस्टिफाई करें, वो समझ जाएंगे हाँ इससे गलती होगी। गलती को ना मानना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, गलती को जस्टिफाई करना उसके कारण ढूंढना आपकी अपनी कमजोरी, और गलती को मानकर स्वीकार करके आप उसमें क्षमा याचना कर लें और आगे से अपने चरित्र को अपने विचारों को अपने आचार विचार को इंप्रूव करें, यही आपकी ताकत है। आप अपने आप में उस ताकत को पैदा करें जहां पर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखें। गलतियों को स्वीकार करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, हर आदमी स्वीकार नहीं करता, आप उसको स्वीकार करें, उसके लिए क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करना बहुत
मतलब इससे पॉजिटिव चीज कुछ नहीं हो सकती, क्षमा याचना करके, ताकि आप दोबारा उस गलती को ना करें। अगर दोबारा बार बार उस गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आपकी आदत है, वो आपकी धूर्तता है। क्षमा याचना किया फिर वही काम कर रहे हैं, फिर क्षमा याचना की फिर वही काम कर रहे हैं, जो गलती नहीं है वो आप दूसरों को बना रहे हैं। और अपने आप में इम्प्रूव करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें। हमारी जितनी भी कमजोरियां हैं वो हमारे अंदर की हैं, कोई बाहर से हमको कमजोर नहीं करता, बाहर का कोई आदमी हमको कमजोर कर ही नहीं सकता। ये हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, हमारे अंदर के विचार हैं, हमारे अपने कर्म हैं जो हमको वीक करते हैं, जो कमजोर बनाते हैं। हमें इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और ये विजय प्राप्त करने के लिए उनको सबसे पहले स्वीकारें। आप आलोचना को सुने, आलोचना को स्वीकारें, और जहां पर भी अपेक्षित हो वहां पर आप उसके हिसाब से अपने में इम्प्रूवमेंट लेके आए। इन शब्दों के साथ आज का उद्बोधन मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगर मैंने किसी से कुछ गलत कहा हो या कोई मैंने एक लेवल के ऊपर जाके कोई बात की हो तो उसके लिए क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जनरली दरअसल मैंने पिछला एपिसोड अपना देखा था वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें जो गाना ऐसा लग रहा था, इसलिए यहाँ बैठे बैठे बिना किसी म्यूजिक के, कोरोना में जो लोग गए हैं के ऊपर जो बीती है उसके ऊपर एक मुकेश जी का गीत है दिवाली के ऊपर, क्योंकि दिवाली अभी गई है ना, कि उनके लिए दिवाली कैसी थी, तो वो मैं 4-6 लाइनें कह देता हूं। एक वो भी दिवाली थी, एक ये दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। बाहर तो उजाला है, घर दिल में अंधेरा, समझो ना इसे रात है, ये गम का अंधेरा। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो ना इसे रात, ये है गम का सवेरा। क्या दीप जलाए हम, तकदीर ही काली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। इसे ये सॉन्ग मैंने डेडिकेट किया, हमारे एक बहुत परम प्रिय मित्र हैं, जब हम रोज मंदिर में मिलते हैं, उनके परिवार में कोरोना में उन्होंने एक अपने 28 साल के पुत्र को खोया, और पिछले साल के कोरोना में उनके ही परिवार में एक पुत्री का अंत हुआ, और अभी एक महीने पहले दो उनके घर में बुजुर्गों की डेथ हुई। उसके बावजूद भी अभी एक उनके यहाँ शादी 20 तारीख को थी और एक 12 दिसंबर को है, तो किस तरीके से उसमें उस बेटे की माँ से मैं मिला जिसकी डेथ हो गई थी, और एक वाइफ की क्लास फेलो है, एंड द वे शी वाज बिहेविंग, मुझे देख के अंदर से आदमी फटता है ना, मतलब आई गेट इमोशनल। मतलब वो कुछ कहने नहीं थी, कपड़े उनके हस्बैंड की पहले डेथ हो चुकी, कपड़े अच्छे से पहने सब कुछ है, लेकिन बाद में बातचीत में एक हल्की सी जब उनकी रुलाई निकली है ना, मैं बस एक कोने में चला गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू दैट फैमिली। थैंक यू, धन्यवाद आदरणीय नैप साहब। और आज हमारा जो धन्यवाद के दो शब्द कहेंगे वो आदरणीय आर्यन पांडे साहब कहेंगे, भोजरिया साहब को जाना पड़ गया अचानक, तो अब हम आदरणीय आर्यन पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आज के विषय में आदरणीय नैप साहब के विषय में कहें। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया, मैं तो श्रोता के रूप में बैठा हुआ था आराम से,
और आनंद ले रहा था। जैसा श्री नैब साहब की, मैंने भी इसी प्लेटफार्म पे श्री नैब साहब को देखा, सुना, समझा। समझना तो उन्हें मुश्किल है, लेकिन सुनने का खूब प्रयास किया। लगा क्या, ये लगता है कि नैब साहब जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। जो भी इनको अनुभव हो रहे हैं, जो धातल की बात होती है, कभी तो वो छोटे आदमी से भाव करने की बात करते हैं, कभी वो कार में बैठे हुए अपनी प्रतिक्रिया की बात करते हैं, उसी को फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं कि भाई इसको सुधार कैसे हो। तो नैब साहब की ये जो श्रृंखला है वो एक तरह से उनके अपने विचार तो हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भी, या हम लोग भी जिस तरह सोचते हैं वो सब भी हैं। इसीलिए मेरे मन में, तो मैं समझता हूं आप लोगों के मन में भी वो अंतर तक उतरते होंगे और ये समझ में आता होगा कि नहीं भाई, वागीश जी मेरी बात को हाँ कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही बोल रहा हूं। तो नैब साहब बहुत बहुत आपका आभार। मैं ये भी सोच रहा था बीच में कि बहुत सी बात जो आप व्यावहारिक रूप में कह रहे हैं वो सब किताबों में पढ़ी, किताबों में कही गई। जैसे आपने कहा कि जो अपने को बुरा लगे वो न करें, तो बहुत प्रसिद्ध है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो आपको बुरा लगता है वो दूसरे के लिए न करें। होता क्या है कि हम इस किताबों में पढ़ लेते हैं, हमारे श्री अरविंद शर्मा जी ने हमको आचार्य श्री राम शर्मा का पूरा कैलेंडर दिया हुआ, रोज एक उक्ति सामने आती है, पढ़ लेते हैं। लेकिन यदि उसे उतारने लगे, जैसे नैब साहब जो प्रयास करते हैं अपनी अंदरूनी बात कहने का, तो बहुत ही असरदार है। हम उनके बहुत आभारी हैं, बहुत उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का विचार रखते हैं जो हम सबको भी आंदोलित करते हैं। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब और धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब। नैब साहब, आज आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं तो उसमें आज मैं विचार एक नहीं बनना, चार बन रहे हैं तो मैं रोक नहीं पा रहा, आपके मुस्कुराने पर ही है। अच्छा, मुस्कुराहट ही नहीं है, आपकी खामोशी भी है। खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, खामोशी हर सवाल का बेहतरीन जवाब है, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया, और मुस्कुराहट हर हालात की बेहतरीन प्रतिक्रिया। अब जो तीन मेरे और रह गए हैं तो पूरा करके ही। मेरी यही आदत तुम सबको सदा याद रहेगी, मेरी यही आदत तुम सबको सदा याद रहेगी। ना शिकवा ना कोई गिला, ना शिकवा ना कोई गिला, जब भी मिला मुस्कुरा के मिला। जब भी मिला मुस्कुरा के। अभी दो और रह गई हैं। सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्द से जमाने की। सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएगी गर्द से जमाने की। और आखिरी में है, मस्त नजरों से देख लेना था गर तमन्ना थी अजमाने की। मस्त नजरों से देख लेना था घर तमन्ना थी अजमाने की। हम तो बेहोश यूं ही हो जाते क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। आज तो पूरी शेर व शायरी मुशायरा कर दिया सर आपने। चलिए सर, आज के सवाल करते हैं और अपने सभी लोग अपना वो करके तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं। जी जी।
शांति शांति शांति। शांति शांतिरेव शांति।